a very good morning a very good morning my dear students and welcome to e-learning classes of economics in previous lecture that is lecture number 35 we completed the topic concept of cost with its numericals as well and now in this lecture that is lecture number 36 we are going to start next chapter of microeconomics that is chapter number 9 concept of revenue बेटा जिस पैटर्न पे आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था जिस पैटर्न पे आपने कॉस्ट पढ़ा था उसी पैटर्न पर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे इसमें वॉट इज़ रेवेन्यू एंड टी आर एम आर एंड ए आर रेवेन्यू क्या होता है वो पढ़ेंगे और टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू नाउ वॉट इज रेवेन्यू रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इससे पहले हमने कॉस्ट पढ़ा था कॉस्ट क्या था वो एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट बनाने पर होता है और रेवेन्यू क्या होता है वो इनकम जो उस प्रोडक्ट को सेल करने से होती है आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं तो जो खर्चा होता है वो आपका कॉस्ट कहलाता है और उस प्रोडक्ट को बना के बेचने पर जो आपको इनकम होती है वो रेवेन्यू कहलाता है यू कैन से दैट रेवेन्यू इज द अनदर वर्ड फॉर इनकम द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट और बाय सेलिंग अ कमोडिटी वट एवर मनी अ फर्म रिसीव इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू लोगों को लगता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बात बिल्कुल सही है दे आर नॉट सिमिलर कॉन्सेप्ट दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्यों क्योंकि प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और रेवेन्यू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मैंने एक मोबाइल है वो दस हजार का उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया और मैंने उस मोबाइल को पंद्रह हजार का बेचा तो कॉस्ट तो हो गई दस हजार और रेवेन्यू हो गया पंद्रह हजार और प्रॉफिट क्या हो गया पंद्रह हजार माइनस दस हजार मीन्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू पाँच हजार तो दे आर नॉट सिमिलर कॉन्सेप्ट दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट नाउ टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू क्या होता है टी आर रेफर्स टू मनी रिसिप्ट ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट जितना भी आउटपुट है उस सबको बेच के जो आपको इनकम होती है दैट इज द मनी रिसिप्ट टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू पी का मतलब है प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट और क्यू का मतलब है टोटल आउटपुट नाउ वॉट इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ एन आउटपुट जब आप सारा आउटपुट बेचते हो तो एडिशनल आउटपुट से जो एडिशनल इनकम होती है दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू इट्स फॉर्मिलाईज टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन और डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वान्टिटी आउटपुट वॉट इज एवरेज रेवेन्यू ए आर इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द कॉमोरिटी जब आप किसी कॉमोडिटी की सेल करते हो उससे उससे जो पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू आपको अर्न होता है दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू इट इज सेम एज प्राइज ऑफ द कॉमोडिटी तो जो प्राइज होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू होता है ऑलवेज रिमेंबर दैट ए आर इक्वल्स टू प्राइज और पी इक्वल्स टू ए आर नाउ शो दैट ए आर इक्वल्स टू प्राइज अब जो चीज आपने पढ़ी है वो आपको शो करने को आगे मानिए है थ्री मार्क्स में क्या आपको ये शो करना है कि ए आर इक्वल्स टू प्राइस कैसे शो करेंगे वी नो दैट ए आर इक्वल्स टू टी आर अपॉन क्यू हम ये जानते हैं कि ए आर क्या होता है टी आर अपॉन क्यू एंड वी ऑल्सो नो दैट टी आर इक्वल्स टू पी इन टू क्यू भाई जिस तरह एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी और अपॉन आउटपुट इन द वेरी सेम वे टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्राइज इन टू क्वान्टिटी इक्वल्स टू टी आर अपॉन क्यू एंड टी आर इक्वल्स टू पी इनटू क्यू एंड इफ़ वी रिलेट दीज टू इक्वेशंस, अगर हम इन दो इक्वेशंस को रिलेट करें तो हमें क्या मिलेगा ए आर इक्वल्स टू पी इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए आर इक्वल्स टू प्राइज ए आर इक्वल्स टू टी आर अपॉन क्यू है टी तो आर की जगह हमने पी इन टू क्यू लगा दिया अपन क्यू लगा दिया तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया सो ए आर इक्वल टू पी दस इट प्रूव दैट ए आर इक्वल टू प्राइस नाउ ऑन दिस दिससेस देयर इज वन न्यूमेरिकल टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ए आर को आपने कॉन्स्टेंट रखा है आउटपुट है वन टू थ्री फोर फाइव ए आर और पी कॉन्स्टेंट है टेन टोटल रेवेन्यू हो गया ए आर इंटू क्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हो गया trn माइनस टी आर एन माइनस वन उसके बेस पे आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए आपने जैसे पी निकाला था निकाला 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 था MP निकाला था MU निकाला था AP निकाला था ठीक उसी तरीके से आपका टी आर आएगा ए आर आएगा एम आर आएगा ये देखिए न्यूमेरिकल्स ये दो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं बेटा आपको यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दिया है वन से लेके सेवन तक उसके ही बेसिस पे आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है ट्वेंटी थर्टी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी फिफ्टी सिक्स आपको ए आर और एम आर निकालना है ए आर कैसे निकलेगा टी आर अपॉन क्यू और एम आर कैसे निकलेगा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन सेम वे सेकेंड न्यूमेरिकल दिया है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये सोल्व न्यूमेरिकल्स हैं इन सोल्व न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर और जो आपने अभी लेक्चर सुना है उसके बेसिस पर यू आर एबल टू डू दिस असाइनमेंट नंबर थर्टी सिक्स आप ये असाइनमेंट नंबर थर्टी सिक्स कर सकते हैं जिसके क्वेश्चन क्या हैं डिफाइन द टर्म रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है वो डिफाइन करेंगे आर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सेम कॉन्सेप्ट रेवेन्यू प्रॉफिट्स मुनाफा एंड इनकम सेम कॉन्सेप्ट है येस और नो गिव द दर्मूला फॉर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखेंगे वॉट ड्यू मीन बाई टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे एवरेज रेवेन्यू विद इट्स फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू और उसका फार्मूला बताएंगे तो जब ए आर एम आर टी आर तीनों की डेफिनेशन और फार्मूला क्लियर होगी आपको तो इसी असाइनमेंट में ये फाइव क्वेश्चन हो गए उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट नाइन है वो आपके ये चार नोमेरिकल्स हैं जो आपको असाइनमेंट में करने हैं पहले नोमेरिकल में आपको टेबल कंप्लीट करना है प्राइस दिया है यू नो प्राइस इक्वल्स टू ए आर उसके बेस पे आप टी आर और एम आर निकालेंगे अगले नोमेरिकल में आपको टी आर दिया है एम आर ए आर निकालना है उससे अगले में आपको एम आर दिया है टी आर ए आर निकालना है और लास्ट वाला जो नोमरिकल नंबर नाइन्थ है उसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है आपको जंबल दिया हुआ है किसी में टी आर है किसी में ए आर है किसी में एम आर है आपको उन सबको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है राइट सो दिस वॉज ऑल लेक्चर नंबर थर्टी सिक्स जिसमें आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू समझा टी आर एम आर ए आर समझा ये शो किया दैट ए आर इक्वल्स टू प्राइज और उसके साथ साथ आपने न्यूमेरिकल समझे इसके और ये असाइनमेंट आपको करके लाना है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे